गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ मी राहुल फ्रॉम ट्रैवल टू ट्रांसफॉर्म। और आज मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत से लोकेशन पे, जो कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास। तो चलिए चलते हैं। बिलासपुर से वो अप्रॉक्स 90 किलोमीटर है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं स्पीति के लिए निकलने वाला था लास्ट मंथ 5 सितंबर को, बट उस समय बारिश के कारण हिमाचल में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसके बाद मैंने अपना ट्रिप एक्सटेंड किया था। फिर मैं 29th को निकलने वाला था स्पीति के लिए, 29th सितंबर को, बट उस समय वहाँ, जैसा कि आप जानते ही होंगे जो लोग हिमाचल का न्यूज़ पढ़े हैं, या जो नहीं पढ़े हैं वो चेक कर सकते हैं। मैं कुछ इमेज अटैच करूंगा, स्क्रीनशॉट्स। इस बार बहुत सालों बाद सितंबर में स्नोफॉल हो गया, इसके कारण काफ़ी सारे लोग वहाँ फंस गए थे, और किसी तरह इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिल के उन्हें निकाला है। काफ़ी गाड़ियाँ अभी भी वहाँ फंसी हुई हैं। तो मैं काफ़ी दिन वेट कर रहा था, 1 वीक अप्रॉक्स वेट किया, बट वहाँ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है कि इस साल आप अपना ट्रिप ना बनाएं स्पीति का, बेटर होगा कि आप नेक्स्ट साल आएँ, नेक्स्ट ईयर अपना ट्रिप प्लान करें। तो मैं बहुत टेंस हो गया था, क्योंकि बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है एक राइड के लिए, तो मैंने बहुत कुछ तैयारी की हुई थी, बट क्या कर सकते हैं, नेचर के आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने एक दूसरा राइड प्लान किया है, जो कि स्पीति से भी ज़्यादा किलोमीटर है और ज़्यादा बड़ा राइड होने वाला है। मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा था, क्या खूबसूरत नज़ारा है उधर का, मैं बहुत दिन से वो राइड प्लान कर रहा था। मैं अभी आपको लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करूँगा, और मैं दुर्गा पूजा के बाद वहाँ के लिए निकलूँगा। बाकी का जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको दूँगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है, आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए अभी चलते हैं, यही बताना था बस ज्यादा। तो जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, और हमें जाना है चैतुरगढ़। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चैतुरगढ़ पर्यटन स्थल। ये हंसी वादियाँ, ये खुलास, ओह गुडनेस, क्या ब्यूटी है। मैं इतनी बार आया हूँ ना, लेकिन हर बार अमेज हो जाता हूँ। ये जगह मुझे हर बार स्पीचलेस कर देती है, हर बार। तो खूबसूरती है, चलिए मैं कब से एंजॉय करता हूं, आप वीडियो एंजॉय कीजिए। Thank you.
ये है जिमरा, इस गांव का नाम है जिमरा। क्या खूबसूरत गांव है यार, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ लश ग्रीन, मतलब क्या बोलो, शब्द ही नहीं। हम लोग पहुंच चुके हैं, मंदिर अभी ऊपर में है बट ये मेन स्टॉप है, इसके बाद ऊपर के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है बाइक के लिए और कार के लिए। पार्किंग स्थल, बैठेगा, चल बैठ बैठ बैठ, इस पे रखना पैर। ओ टाटा, मैं पहली बार आया हूँ, आया था तो यहाँ पैदल गया था, हालत खराब हो जाता है भाई। ये देखो आप, ये देखो सीधा खड़ा चढ़ाई है बाबा। बाबा रे, भाई साहब व्यू देखो, वो देखो व्यू, क्या व्यू है मैन। ओह फाइनली हम पहुंच गए हैं चैतुरगढ़। वाह यार, इस जगह के अलग ही वाइब्स हैं। खड़ी करते हैं, ता 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 ता। शंकर गुफा के लिए आपको सीधा जाना होगा और वो नीचे ट्रैक करना पड़ता है उसके लिए, तो चलिए देखते हैं कहाँ तक बाइक जाती है अगर पॉसिबल हुआ। वैसे बाइक वहाँ तक भी नहीं जा पाती है, काफ़ी दूर पैदल भी चलना पड़ता है, और मैं यहाँ बाइक अपनी अकेले नहीं छोड़ना चाहता। चलिए देखते हैं जहाँ तक बनेगा वहाँ तक जाएंगे। ये इधर शंकर गुफा का रास्ता है, शंकर खोला, तो आप इधर से जा सकते हैं। थोड़ी दूर के बाद आपको गाड़ी खड़ा करना होगा अपना, या पैदल जाइए, और फिर नीचे ट्रैक करना पड़ता है, काफी टफ है।
मैं दो तीन तीन बार जा चुका हूँ, काफ़ी टाइम लग जाता है। उससे भी बड़ी चीज़ है, गाड़ी को अकेले मैं नहीं छोड़ना चाहता अभी। तो मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत हैं यहाँ के कुछ पॉइंट्स। अरे रे 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 रे। चलो कम से कम हटा तो सही, क्या एटीट्यूड से खड़ा था यार वो। बाप रे, जा भाई जा, मैं रास्ता बदल लूंगा। नहीं मेरे मालिक, नहीं। अमेजिंग है, आइए दिखाता हूँ आपको। दर्शनीय पॉइंट क्रमांक 9, ये देखिए व्यू। पॉइंट डेंजर जोन, सेल्फी लेना मना है। ये है वो व्यू पॉइंट। हो गॉड, ये है वो रिसॉर्ट जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं दूसरी पॉइंट की और आपको दिखाता हूँ। जय श्री शंकर। Thank you.
ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। अरे दादा अब यहाँ से नीचे कैसे उतरेगा बाबा, बहुत हो गया ब्यूटीफुल। उतर गया, उतर गया, उतर गया। बाय बाय, चलिए नीचे चलते हैं। ये देखिए यहाँ से व्यू, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। कैसे हैं काका? ठीक हैं? सब बढ़िया है। ये लीजिए, ठीक है, आता हूँ। मेरे उतने से पैसे से उनका कुछ होना नहीं है, बट अच्छा लगता है, करके देखिए, काफी अच्छा लगेगा। जरूरी नहीं है हम हर जगह हर चीज हर किसी को जज ही करें। और ये देखिए वो व्यू, देखिए भाई साहब व्यू देखिए, क्या नजारा है, खूबसूरत। और यहाँ से नीचे उतरना भी अपने आप में एक टास्क है। और ये हम आ गए हैं वापस, चलते हैं कुछ खाते हैं पहले, उनके पास होगा तो।